मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं यूजुअली वो बुक माई शो के लिस्ट पे जाके देख रही हूँ कि सब हर जगह हाउसफुल हाउसफुल है, तो मेरे सब कोस्टार्स ने जाके फिल्म देखी है बहुत सारी बार, पर आई थॉट कि मैं भी जाऊँ थिएटर में। एंड आई सेड ये एक छोटी थिएटर है मेरे घर के आसपास है और मैं हमेशा बचपन से यही थिएटर में मूवीज़ देखती हूँ, लरेव में। सो आई थॉट आज मैं आती हूँ एंड मैं किसी को जानती नहीं हूँ इसमें, सो आई सेड लेट मी सी कि लोग क्या बोलते हैं फिल्म के बारे में। तो मैंने सुना कि जब भी मेरी फ्रेंड गई थी, लाइक आई वाज टेलिंग यू, कि फिल्म के बाद लोग सुन हो के बाहर निकलते, कोई अपना फ़ोन भी नहीं देख रहा था। लेट्स सी, सरप्राइज करेंगे लोग। हाँ, आई थिंक इट विल बी फन। नो, आई हैव सीन बहुत सारे आपके और बहुत सारे लोग जो थिएटर के बाहर लोगों को पूछते हैं आपको फिल्म कैसी लगी, तो आई थिंक इट विल बी नाइस अगर एक्टर खुद पूछ रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स सी। यस, कैसे लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी। आपको कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी। कैसे लगी फिल्म? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वेरी गुड, वेल प्लेड। आपको ये फिल्म देखा आपने, कैसी लगी? इट्स नाइस, नाउ यू आर वेरी गुड, थैंक यू। आई प्लीज कम, कैसी लगी ये आपको? अच्छी लगी, नाइस एक्टिंग, बहुत अच्छा। थैंक यू आपने। I must say that you are looking very nice. You've acted so well. Thank you, ma'am. It looks very real, and the really the feelings, they look so real. Thank you, ma'am. And you look so beautiful in so that. Sweet. Your eyes also talking thank the you, sadness among you. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. That's very sweet. Are you, madam? बहुत अच्छी movie थी actually. God bless you. Oh, thank you, thank you. हाँ, ये आप आज oh my, oh God. आधा जी, हाँ खुद आइए तो बताइए कि इनकी movie आप देखकर आपको कैसी लगी? अच्छी लगी, good. Thank you. अच्छी लगी, good. Thank you, ma'am. Thank you. Hi sir, hi sir. Can I take one pic? Yes. Thank. It was a wonderful, wonderful, wonderful movie. Thank I'm you. So got emotional and your acting was really. Thank you. I can't express in words. Wow, thank you so much. Really wonderful. Taking us rightly, nearly, sir. Seen the movie, na? I'm very shocked. Wow, thank you. Something which nobody knew about. It is such a topic which I think we were never aware of. Thank you so much for bringing thank it to the light. Yes, thank you. An amazing work. Please let us come. प्लीज़ कम। हाय, कैसी लगी मैम? बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा किया, रोने को आ गए। थैंक यू। हाय गॉड, सरप्राइज। हेलो मैम। ओह हाय, सुपर है। थैंक यू मैम। माय टू डॉटर्स इज देयर। हाय हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। लड़कियों के लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, वेरी नाइस मूवी, वेरी वेल एक्टेड। थैंक यू सो मच। यू जस्ट हैव अ फोटो प्लीज। आई थिंक यू हैव टू टर्न द कैमरा। थैंक यू। हाँ प्लीज सर जी। थैंक यू मैम। गाड़ी बुलाते गाड़ी आ गई। Thank you so much.
गाड़ी आगे बोलो, गाड़ी आगे, गाड़ी आगे नो आई थिंक मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ. मैं आउटसाइडर इन द इंडस्ट्री, तो मैंने ये ड्रीम किया ही नहीं कभी. आई थॉट पॉसिबल ही नहीं है कि एक लड़की जो फिल्म इंडस्ट्री की बिलोंग नहीं करती है उसको इतना प्यार मिल सकता है लोगों से. सो आई एम रियली टच्ड टुडे टू सी दिस, टू सी सो मेनी पीपल हु कम टू वॉच माई फिल्म. सो आई थिंक इट्स आर ड्रीम इज़ कम ट्रू. बिकॉज जब हम लोगों ने फिल्म स्टार्ट किया, वी थॉट दैट वी आर डूइंग दिस फिल्म टू फॉर दीज गर्ल्स एंड अवेयरनेस फॉर देम. So I'm so glad so many people are watching it now, so they know the actual story about what's happening, which was kept hidden. So haan, I'm a little overwhelmed. I think bahut hi touched hu. Ji. Ji. I think reactions आपके पास video footage better होगा, but as an actor I feel कि आप जब काम करते हो तो of course you want कि लोग देखें. and like I said, मुझे मौका मिला, मुझे तो लगा कि मुझे वापस पुनर्जन्म लेना पड़ेगा. जैसे शाहरुख खान ने ओम शांति ओम, वो वापस रिबॉर्न होके, आई डेंट नो कि इस जन्म में मुझे मौका मिलेगा, पर अब मिला है. सो आई एम रियली हैप्पी कि लोग देख रहे हैं फिल्म एंड इतना अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है. हाँ, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, बट थैंक यू इज़ ऑल आई कैन से. एंड मैंने, मेरे सपने हमेशा बहुत छोटे थे. मुझे हाथी के साथ खेलना है, कुत्ता के साथ खेलना है, मेरे सपने उतने तक है. और ऑफकोर्स अच्छे रोल्स करने हैं, बट आई थॉट आई डोंट नो कितने मिलेंगे. मैं हर फिल्म जब भी करती हूँ आई फील शायद ये लास्ट फिल्म होगा, बिकॉज आई डोंट नो उसके बाद मुझे चांस मिलेगा, कोई और मुझ पर ट्रस्ट करके फिल्म देगा. पर आई थिंक कि ऑडियंस के ड्रीम्स मेरे लिए बहुत ही बड़े हैं. बिकॉज एवरी टाइम पीपल वॉच समथिंग ऑन माइंड, दे से कि हाँ बट ये रोल में क्यों, अदा को ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए. तो आई थिंक सबके सपने आज मेरे लिए पूरे हो गए. सो आई एम सो लकी.